एक इंसान, एक बिल्ली भी भूखी जो है ना प्यासी मर रही होगी, आप उसको पानी पिला दें, आपको दिल के अंदर एक क्या आएगी, खुशी आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको उसकी नेकी खुश कर दे, जिसको उसकी नेकी खुश कर दे और उसका गुनाह उसको अफसरदा कर दे, वो मोमिन है। लेकिन अगर नेक अमाल हो नहीं रहे, दिल रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा, खुश हो नहीं रहा, तो इसका मतलब डेथ हो चुकी है, मुर्दा हो चुका है। कहते हैं वक़द जअलल्लाहु सुभानहू लिल्हसनाति वत्तआति आसार, जब आप कोई अच्छा अमल करते हैं तो आपके दिल पे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसको इस तरह समझें, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हमारे माइंड के अंदर, हमारे परसेप्शन के अंदर बड़ी अच्छी है, जब हम वो करते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि हम बड़े कॉन्शियसली और वॉलंटरली और बड़ा सोच समझ के वो काम कर रहे होते हैं। अभी आप बाहर जाएं, आपको एक गरीब आदमी मिले, आप उसको पैसे दें या खाना खिलाएं, उसको खाना खाते हुए देखें, आपके दिल को एक अच्छा फील हो, बोलेंगे नहीं यार, मैंने एक इंसान की क्या की है, मदद की है। एक इंसान, एक बिल्ली भी भूखी जो है ना प्यासी मर रही होगी, आप उसको पानी पिला दें, आपको दिल के अंदर एक क्या आएगी, खुशी आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको उसकी नेकी खुश कर दे, जिसको उसकी नेकी खुश कर दे और उसका गुनाह उसको अफसरदा कर दे, वो मोमिन है। यानी इफ यू आर दैट रिस्पॉन्सिव टू योर हार्ट, इफ योर हार्ट इज दैट रिस्पॉन्सिव कि आप जो अमल कर रहे हैं दिल फौरन से इमोशन पैदा कर रहा है, आप मोमिन, आप नेकी कर रहे हैं दिल क्या हो रहा है, खुश हो रहा है, आप बुराई कर रहे हैं दिल अफसरदा हो रहा है, आपके अंदर ईमान है। तो हम चूंकि एक चीज हैबिचुअली कर रहे होते हैं, हमें पता, हमें दिल में खुशी नहीं मिलती। आप बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल आप एक दीनी दायरे में काम कर रहे हो भाई, आप सुबह शाम तक मेहनत कर रहे हो, लेकिन चूंकि आप उसके अंदर एक हैबिचुअल हो चुके हो तो आपको वो दिल में खुशी महसूस नहीं होगी। एवरी टाइम यू विल पुट एन एफर्ट, वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप उससे क्या हो चुके, इम्यून हो चुके हो। टाइम टू रिवाइव कि मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही। पहली दफा आपने जो है वो तहज्जुद पढ़ी थी, उसका एक अलग खुशी थी। एक इंसान रोज ही तहज्जुद पढ़ रहा है, अगर हैबिचुएशन के अंदर आ गया, आदतन आ गया, तो वो आदत उसके दिल में हर रोज खुशी तो ना पैदा करे। ट्राई करें कि कोई आप नया अच्छा अमल करके देखें, आपके दिल में खुशी पैदा होती है और आपको गुनाह जो है वो अफसरदा करता है, अफसोस में आते हैं, बेमान है, अल्लाह ताला ने खुद दिया, लिटरल से आप सबने खुद दिया। तो नेक अमाल करेंगे उसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, दिल बदलने के अंदर आसानी होगी, दिल आपको इख्तियार देगा, हाँ बदल लो मुझे, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन अगर नेक अमाल हो नहीं रहे, दिल रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा, खुश हो नहीं रहा, तो इसका मतलब डेथ हो चुकी है, मुर्दा हो चुका है। फिर उसको जिंदा करने के लिए अलग काम किए जाएंगे।